सतगुरु पुरुष कबीर हैं चारों युग प्रमाण, झूठे गुरुआ मर गए हो गए भूत मसान। ये तो सभी जानते हैं कि आध्यात्मिक यात्रा गुरु के बिना संपन्न नहीं हो सकती, यानी व्यक्ति को मोक्ष पाने के लिए गुरु बनाना आवश्यक है। खुद पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब ने भी लोगों को इस बात से अवगत कराने के लिए गुरु बनाया, जबकि वास्तविकता में उन्हें गुरु की कोई आवश्यकता नहीं थी। आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार कबीर जी ने गुरु परंपरा बनाए रखने के लिए स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु बनाने की लीला की। आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व परमेश्वर कबीर जी अपना तत्व ज्ञान बताने के लिए पृथ्वी पर आए थे। पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर जी बालक रूप में लीला कर रहे थे। उस समय काशी में स्वामी रामानंद जी बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे और उनके लगभग 1400 ऋषि शिष्य थे। वो वैष्णव पंथ का प्रचार पूरे भारत वर्ष में किया करते थे। गुरु परंपरा के महत्व को उजागर करने के लिए स्वामी रामानंद जी को गुरु बनाने के लिए कबीर साहिब ने 2.5 साल के बच्चे का रूप बनाया और ब्रह्म मुहूर्त के समय गंगा घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। स्वामी रामानंद जी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने गंगा घाट पर जाया करते थे। उनकी खड़ाव कबीर साहिब जी के सिर पर लग गई। शिशु रूप में कबीर जी रोने लगे। बालक को झुककर उठाने पर स्वामी रामानंद जी की तुलसी की माला कबीर जी के गले में गिर गई। रामानंद जी ने कबीर जी के सिर पर हाथ रखा और उन्हें राम राम कहने को कहा, जिससे कबीर जी ने रोना बंद कर दिया। स्वामी रामानंद जी ने सोचा कि लगता है बच्चा भूल से यहाँ आ गया है, स्नान करने के बाद उसे उसके घर छुड़वा देंगे। ये विचार करके रामानंद जी उन्हें वहीं छोड़ स्नान करने चले गए। उसके बाद कबीर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए और अपनी कुटिया में पहुंच गए। एक दिन स्वामी रामानंद जी के शिष्य विवेकानंद जी प्रवचन कर रहे थे और ब्रह्मा विष्णु महेश की महिमा बता रहे थे। वहां जाकर कबीर जी ने प्रश्न किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। विवेकानंद जी के पास इसका कोई उत्तर नहीं था, इसलिए उन्होंने कबीर जी को डांटना शुरू कर दिया और पूछा, कौन है तू और तेरे गुरु का नाम क्या है। तब श्रोताओं ने बताया कि कबीर जी जुलाहा जाति से हैं। तभी कबीर जी ने विवेकानंद जी से कहा, मेरे गुरु आपके भी गुरु हैं, मैंने स्वामी रामानंद जी से दीक्षा ली है। विवेकानंद जी ने हंसते हुए कहा, स्वामी रामानंद जी नीची जाति के लोगों को दीक्षा नहीं देते, मैं स्वामी रामानंद जी को बताऊंगा और वो तुम्हें दंड देंगे। अगले दिन स्वामी रामानंद जी के सामने कबीर जी को लाया गया। स्वामी रामानंद जी ने अपनी झोपड़ी के सामने एक पर्दा लटका दिया था, क्योंकि स्वामी रामानंद जी नीची जाति के लोगों के दर्शन तक नहीं किया करते थे। उन्होंने पर्दे के पीछे से पूछा, तुम कौन हो। कबीर जी ने उत्तर दिया, मैं इस सृष्टि का रचनहार हूँ, ये सारा संसार मुझ पर आश्रित है। स्वामी रामानंद जी नाराज हो गए। उन्होंने कबीर जी से और प्रश्न पूछे, जिनका उत्तर कबीर जी ने बड़ी ही शांति और विनम्रता से दिया। स्वामी रामानंद जी ने सोचा कि बालक के साथ चर्चा करने में समय लगेगा, पहले अपनी धार्मिक साधना पूरी कर लेनी चाहिए। पर्दे के पीछे स्वामी रामानंद जी ध्यान में मानसिक पूजा कर रहे थे और कल्पना कर रहे थे कि वो भगवान विष्णु की मूर्ति को स्नान करवा रहे हैं, फिर उस मूर्ति को मुकुट पहना रहे हैं। उस दिन वो मूर्ति के गले में माला डालना भूल गए और बड़ी ही चिंता में पड़ गए कि अगर माला नहीं पहनाई तो पूजा खंडित और मुकुट उतारा तो पूजा खंडित। उन्होंने मन में मुकुट के ऊपर से माला पहनाने की कोशिश की तो माला मुकुट में अटक गई। तभी कबीर जी ने कहा, स्वामी जी माला की गांठ खोल लो, तुम्हें मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा। रामानंद जी ने सोचा, ये बालक तो अंतर्यामी है, जो बिना देखे केवल मन में क्या चल रहा है उससे जान गया कि मैं क्या कर रहा हूँ। उन्होंने पर्दा हटाया और कबीर जी को अपने सीने से लगा लिया। जैसे ही रामानंद जी ने कबीर प्रभु को गले से लगाया, उन्होंने महसूस किया कि परमेश्वर कबीर जी का शरीर हाड़ मांस से बना हुआ नहीं था, नूरी शरीर था, बिल्कुल कोमल रुई जैसा। रामानंद जी अब भी भ्रम की अवस्था में थे। भ्रम मिटाने के लिए स्वामी रामानंद जी ने कहा, कबीर जी आपने झूठ क्यों बोला, मैं आपका गुरु हूँ, मैंने आपको दीक्षा कब दी। परमेश्वर कबीर जी ने रामानंद जी को पंच गंगा घाट पर 2.5 वर्ष के बच्चे वाली घटना याद दिलाई। रामानंद जी कहने लगे कि वो तो छोटा सा बालक था। परमेश्वर कबीर जी ने वही 2.5 वर्ष और 5 वर्ष के दो बालक रूप दिखाए और देखते देखते 2.5 वर्ष के बालक का शरीर 5 वर्ष के शरीर में समा गया। तब स्वामी रामानंद जी आश्वस्त हुए और उन्होंने कबीर जी से वास्तविक ज्ञान समझा।
फिर कबीर जी उन्हें ऊपर के लोकों में लेकर गए और उन्हें सतलोक दिखाया और फिर वापस छोड़ा, जिसका चित्रण संत गरीबदास जी महाराज ने इस प्रकार किया है। तहां वहां चित चक्रित भया देखी फजल दरबार, गरीबदास सजदा किया हम पाए दीदार। बोलत रामानंद जी सुन कबीर करतार, गरीबदास सब रूप में तुम ही बोलनहार। दुहु ठोर है एक तू भया एक से दोए, गरीबदास हम कार ने उतरे हो मगजोए। तुम साहिब तुम संत हो तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तुम रूप बिना और न दूजा अंश। तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि ब्रह्म कर्म किए नाश, गरीबदास निज ब्रह्म तुम हमरे दृढ़ विश्वास। सुन बे सुन से तुम परे उरे से हमरे तीर, गरीबदास सर्वंग में अविगत पुरुष कबीर। जिसकी बात कबीर परमेश्वर जी ने रामानंद जी को सांसारिक दृष्टि से अपना गुरु बनने के लिए कहा, ताकि आने वाली पीढ़ी गुरु के महत्व को पहचाने। परमेश्वर कबीर जी की संपूर्ण वास्तविकता जानने के बाद रामानंद जी ने कहा कि प्रभु मैं कैसे आपका गुरु रह सकता हूँ, मेरी आत्मा मुझे धिक्कारेगी। तब परमेश्वर ने कहा कि ये मेरा आदेश है, आप गुरु परंपरा बनाए रखने के लिए आप मेरे गुरु बने रहो, लेकिन जैसे भक्ति मैं बताऊं ऐसे करते रहना। स्वामी रामानंद जी ने इसे स्वीकार कर लिया। इस प्रकार परमेश्वर कबीर जी ने गुरु परंपरा बनाए रखी और लोगों को सही मार्ग दिखाया। परमेश्वर से प्राप्त दिव्य ज्ञान के आधार से आदरणीय संत गरीबदास जी कहते हैं, गरीब रामानंद से लक्षी गुरु त्यारे शिष्य के भाई, चेलों की गिनती नहीं पद में रहे समाए। अर्थात परमेश्वर कबीर जी ने स्वामी रामानंद काशी वाले जैसी लाखों आत्माएं पार की, रामानंद जी को गुरु बनाकर पार किया, और जो शिष्य बनाकर भवसागर से पार किए उनकी तो गिनती ही नहीं की जा सकती। दर्शकों आपको बता दें, वर्तमान में कबीर परमात्मा की वास्तविक भक्ति जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताई जा रही है। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक हुए दिखलाया, काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहां जुलाहे ने पाया। माता पिता मेरे कछु नहीं, ना मेरे घर दासी, जुल्हा को सूत आन कहाया, जगत करे मेरी हांसी। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में परमेश्वर कबीर जी के प्रकट दिवस पर 20, 21 और 22 जून 2024 को नेपाल सहित भारत के 11 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस पवित्र अवसर पर आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी की अमर वाणी का 3 दिवसीय अखंड पाठ, विशाल भंडारा, विशाल सत्संग, आध्यात्मिक प्रदर्शनी और निःशुल्क नाम दीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, तथा साथ ही दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, नशा मुक्त जागरूकता अभियान जैसे समाज सुधार के कार्यों का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें आप सभी नगर व ग्राम वासियों को इस विशाल अद्वितीय भंडारे में सादर आमंत्रित किया जाता है। इस महासमागम के आयोजन स्थलों का पता है, सतलोक आश्रम धनाना धाम हरियाणा, सतलोक आश्रम मुंडका दिल्ली, सतलोक आश्रम इंदौर मध्य प्रदेश, सतलोक आश्रम बैतूल मध्य प्रदेश, सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र हरियाणा, सतलोक आश्रम धूरी पंजाब, सतलोक आश्रम वेदखेड़ी शामली उत्तर प्रदेश, सतलोक आश्रम सोजत राजस्थान, सतलोक आश्रम खमाणो पंजाब, सतलोक आश्रम भिवानी हरियाणा, सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल। सत साहेब।